राजस्थान के मुख्यमंत्री को जादूगर कहा जाता है और जादूगर की जादूगरी अब बिकने पर लगी है। होर्डिंगों के अंदर बड़े बड़े इस बात के दावे किए गए कि इतनी यूनिट फ्री, किसानों को इतना लाभ, 2000 यूनिट एग्रीकल्चर के अंदर फ्री, 50 यूनिट को बढ़ाकर 100 यूनिट की गई, 100 यूनिट को बढ़ाकर 200 यूनिट की गई, इस तरीके के दावे किए गए। लेकिन जब आम आदमी, आम उपभोक्ता के हाथों के अंदर जब बिल पहुँचा तो वो अपने आप को ठिकासा महसूस कर रहे थे, सारे के सारे दावे झूठे निकले। दो कंज्यूमरों के बिल मेरे पास है, जिस कंज्यूमर को मैं दिखाना चाहूँगा, 1497 रुपये का ये बिल आया पिछले महीने और उसके अंदर 235 रुपये ये फ्यूल चार्ज के लगाए गए, और इस महीने का जो बिल आया है उसी कंज्यूमर का, उसके अंदर बिल की राशि जो दी गई है वो राशि है 2326 रुपये और इसमें फ्यूल चार्ज पैसा लगाया गया 1030 रुपये। जहाँ 235 रुपये फ्यूल चार्ज था उसको बढ़ाकर डायरेक्ट 1035 रुपये का फ्यूल चार्ज वसूला गया, और इसी तरीके से इस उपभोक्ता के 750 रुपये माइनस ज़रूर किए गए कि आपको सरकार की तरफ से 750 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। 750 रुपये की सब्सिडी देकर 1035 रुपये वसूलना, ये जादूगरी नहीं तो और क्या है। और इसी तरीके से एक कंज्यूमर है, उसके फ्यूल चार्ज लगाया गया है 3096 रुपये, बिल है 10468 रुपये, 10468 रुपये में फ्यूल चार्ज के पैसे वसूल किए गए हैं 3096 रुपये और सब्सिडी दी गई है 750 रुपये। यानी कि सीधी सीधी गणित यही है कि इस हाथ से सपने दिखाने का काम करो और दूसरे हाथ से समेटने का काम करो। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये भूल गए कि दूसरे हाथ से आप समेटने की जो कोशिश कर रहे हो, वसूली की कोशिश कर रहे हो, अतिरिक्त चार्ज के रूप में, फ्यूल चार्ज के रूप में, सरचार्ज के रूप में, गृह कर के रूप में, ये जनता सब समझ रही है कि दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत कुछ। आने वाले समय में जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है।